देता तेरा भाई। चल भाई पीछे हट, चलो पीछे। ओ भाई टायर, भाई मैं थोड़ी ना निकलने दूंगा इसको आगे। आजा निकले, जीत गया तेरा भाई। टायर देख रहे हो भाई, ये टायर नहीं है भाई, पूरा गंजा हो गया, इस टायर को चेंज कराना है, तो चलो निकल। ओ सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे आज के एक न्यू वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। सो गाइस चेक करो, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने घर से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड गाइस बहुत दिनों के बाद ना आज आपका भाई फेस कैम कर रहा है, और थोड़े दिन से ना आपके भाई को इतने ज़्यादा काम थे यार इंश्योरेंस के रिलेटेड। आप लोगों को पता है कि हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से अभी हमारा इंश्योरेंस का सीन बन रहा है। तो कल भाई एक बंदा आया था इंस्पेक्ट करने के लिए, जो इंस्पेक्टर होता है ना वो इंस्पेक्ट करने के लिए आया था। उसने पूछा भाई कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ था, और कोई प्रूफ है कि आप ही बाइक चला रहे थे। तो मैंने उसके हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया उसको। तो आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा कल वाला, तो पहले वो वाला वीडियो देखना, फिर आपको पता लगेगा कि बात क्या हुई थी। तो मैंने उसको हर एक चीज का आंसर दे दिया। एंड गाइस आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक बाइक थी जो है भाई अपनी पल्सर 220F। तो भाई उसका एक सीन हो गया था, मैं पेट्रोल पंप पे गया था पेट्रोल डलवाने के लिए, बट यार पेट्रोल पंप वालों ने ना मेरे साथ एक स्कैम कर दिया। पेट्रोल में ना इतनी ज्यादा मिक्सिंग की थी ना पानी की, जिसकी वजह से भाई वो सारा ना मतलब कि इंजन में पानी चल गया और तगड़ा खर्चा आया हुआ है। तो आज मुझे जाना है डोबरवाल वाली साइड, तो आज मैंने सोचा उस पर व्लॉग वगैरह बनाते हैं, उसमें देखते हैं भाई कितना काम हुआ है, और जो भी मिसिंग प्रॉब्लम आ रही है वो भी देखेंगे, तो एक राइड वगैरह भी हो जाएगी। और आप लोग ना बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हो कि अलियान भाई के साथ व्लॉग बनाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ व्लॉग क्यों नहीं बनाते हो। तो मैं आपको वो भी सीधा क्लियर कर देता हूँ, जब तक मेरे पास बाइक नहीं होगी तब तक आपको क्या पता उनके साथ व्लॉग देखने को नहीं मिले, क्योंकि वो मेरे घर से ना बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं और मैं उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ। तो अभी ना ये भी सीन है कि भाई हम अभी साथ व्लॉग नहीं कर रहे हैं, तो अभी जैसे बाइक आएगी फिर वापस से आपको तगड़े तगड़े क्रेजी क्रेजी एडवेंचर वाले व्लॉग देखने को मिलेंगे। बाकी हमारे पीछे देख सकते हो यहाँ पे हमारे राइडिंग गियर्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये हमारी राइडिंग जैकेट है और ये हमारी राइडिंग पैंट है। बाकी मैंने RC 200 वाले को भी बुला लिया, क्या पता आज आपको ना ड्रैग रेस देखने को भी मिले पल्सर 220F, और KTM RC 200 की भी आपको ड्रैग रेस देखने को मिले। तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करके बताना हमारा आज का वीडियो कैसा बना हुआ है। तो चलो अभी निकलते हैं और मैं मिलता हूँ आपको सीधा अपने मोटो व्लॉग के सेटअप पे गाइस। अ फ्यू इंचेस लेटर। सो फाइनली गाइज अभी हमने अपना मोटो व्लॉग सेटअप पहन लिया, एंड गाइज अभी हम अपना सीधा वाले रोड पे। तो गाइज अभी चेक करो, हमारे सामने लगी है दो ब्यूटी, एक लगी है अपनी KTM RC 200, एक लगी है हमारी पल्सर 220F। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इन दो बाइक्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला जो बड़ा डिफरेंस है ना वो मेरे को लगता है भाई इनके मॉडल में। इसका मॉडल है भाई 2014-15 मॉडल है, और ये वाली जो RC है ये है भाई 2018 मॉडल। 3-4 साल का गैप है भाई इनमें, ये थोड़ी बड़ी है ये थोड़ी छोटी है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। बाकी इंजन तो सेम ही है, ठीक है, ये RC 200 है, ये 220 है, ये 20 cc ज्यादा। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आज हम ना ड्रैग दिखाएंगे आपको इन दो बाइक्स का। तो अभी हम यहाँ से ड्रैग करने वाले हैं, यहाँ से हम जाएंगे एक राउंड नीचे मारेंगे, देखते हैं भाई कौन जाता है, ठीक है ना, पहले कौन एंड तक पहुंचता है, वहां तक है भाई हमारी फिनिशिंग लाइन जहाँ पे नाका लगता है ना, वहां पे अपनी फिनिशिंग लाइन, फिर वहां से हम लेंगे, फिर यहाँ से मतलब कि यहाँ तक मारेंगे। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो अभी हम मतलब कि ड्रैग कर रहे हैं ना ये पूरा सेफ्टी के साथ कर रहे हैं। देख सकते हो भाई मैंने आज अपनी राइडिंग जैकेट भी पहनी है, अपनी राइडिंग पैंट भी पहनी है। शूज अभी आपके भाई को लेना है तो उसको इग्नोर करना, ठीक है ना, न्यू शूज लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई ने भी अपना हेलमेट पहना हुआ, काफी ज्यादा अच्छा हेलमेट पहना है। तो इन बाइक के साथ एक सीन हो गया था, तो भाई ने मेरा गूगल एडसेंस पिन फाड़ दिया था, फिर मैंने इनका फोन तोड़ दिया था। तो आप लोग बोल रहे थे कि यार कॉम्प्रो वगैरह कर लो, एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई आप लोग कॉम्प्रो कर लो। तो अभी यार हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है ना, इसने पता नहीं क्या सोच के फाड़ा, इससे भी गलती से फट गया, ठीक है ना। तो इसको मैंने फोन के पैसे दे दिया, बाकी एडसेंस पिन के लिए मैंने एक बंदे को बोला, तो वो बोल रहा था कि मुझे तू अपने ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देना, जिससे तूने लिंक वगैरह किया होगा, जो डॉक्यूमेंट दिए होंगे मैं कोशिश करूंगा, क्या पता तेरा ले ही आऊं, वरना हमें अप्लाई करना पड़ेगा वापस से, फिर देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। बाकी इस टायर की हालत देखो, पूरा मोटो जीपी वाला टायर है, ये टायर देख रहे हो भाई, ये टायर नहीं है भाई, पूरा गंजा हो गया, इस टायर को चेंज कराना है। बाकी एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ यार, जो इसका शॉकर है ना पिछला वाला, वो बहुत ज्यादा लीक कर रहा है। और एक दिक्कत पता क्या आ रही है बाइक में, जो चेन है ना वो ऐसे आवाज कर रही है, टक 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 टक, वो ऐसी आवाज कर रही है। तो वो थोड़ा मतलब कि इशू लग रहा है, गियर शिफ्टिंग करने में ना थोड़ी सी मेरे को दिक्कत होने वाली है। अ फ्यू इंचेस लेटर। तीन हॉर्न पे, 1 2 3 चल, आजा 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 आजा, गियर शिफ्टिंग भाई, चल 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 चल। ओ भाई निकल गया निकल गया, निकलने नहीं देता तेरा भाई। चल भाई पीछे हट, चलो पीछे। ओ भाई टायर बहुत ज्यादा बबल कर रहा है,
लेट्स गो गाइस, चल 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 मेरी जान, चल शिट, क्या बात है। अभी गाइस गियर शिफ्टिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट आपका भाई ने उसको पीछे छोड़ ही दिया भाई। चल नाके तक बोला था इसको फिनिशिंग लाइन, और ये आपके भाई ने कर ली फिनिशिंग लाइन पूरी। ये देख रहे हो क्या बात है गाइस, पल्सर पल्सर है भाई, 3-4 साल का डिफरेंस है, तब भी आपके भाई ने भाई इसको पीछे कर दिया। देख रहे हो भाई, ये इसकी बाइक जो है 2018, और आप लोगों को पता है कि KTM की जो पावर है ना भाई, वो सिंगल सिलेंडर में बहुत ज़्यादा उन्होंने दिया है, ये चीज़ मैं मानता हूँ। बट यार अपने इंडिया में जो स्पोर्ट्स बाइक का क्रेज़ निकला ना, वो बाइक किस बाइक ने निकाला है, वो निकाला भाई अपनी पल्सर 220 ने, ठीक है ना। तो गाइस ये वाली जो बाइक है इसको मैं कभी भी सेल नहीं करूँगा, ठीक है ना, ये चाहे जितनी भी पुरानी हो जाए, कितना भी मतलब कि सड़ सुड़ क्यों ना जाए, ठीक है ना। अभी तो मैं इसको चलाता नहीं था, जिसकी वजह से भाई इसका ना मतलब कि काम मांगा अब इस बाइक ने, अगले वाले भी इसके ना शॉकर लीक कर रहे हैं यार, ठीक है ना। पीछे वाला तो शॉकर लीक कर रहा है, मुझे लग रहा है अगला वाला भी कर रहा है। 3-2-1 भाई, मैं थोड़ी ना निकलने दूंगा इसको आगे। गियर शिफ्टिंग करने में दिक्कत हो रही है यार, आजा आजा आजा। भाई आजा 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 आजा, वूहू गाइस, अभी गियर गाइस गियर शिफ्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये देखो ये देखो ये देखो, आजा निकले, जीत गया तेरा भाई। फाइनली गाइस दोनों ड्रैग आपके भाई ने जीत लिया। अभी मैं आपको बताऊं गियर शिफ्टिंग करने में कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, गियर शिफ्ट ही नहीं कर रहा यार। क्या निकल गई इधर, एंड में वो व्हाइट वाली लकीर के बाहर क्रॉस कौन करके गया, सबको पता भाई, कैमरे में रिकॉर्डेड है। कोई ब्रेक नहीं मारी भाई, ब्रेक नहीं मारनी है, नो ब्रेक्स, पता है तेरे को पता गाड़ी क्यों मारी ब्रेक, मैंने मारी व्हाइट वाली लाइन से कौन आगे निकला, पहले बोल व्हाइट वाली लाइन से कौन है, पहले बोल व्हाइट वाली लाइन से कौन भाई, ये थोड़ी ना होता है, ड्रैग करनी है पूरा था भाई, हमने पहुंचना। चल ओए रो मत भाई, रो मत। तो गाइस कमेंट करके बताना आपको 220 और RC 200 की ड्रैग कैसी लगी, ठीक है। तो चलो निक, ओ तूने देखा, ओ तूने देखा हुआ गया, Two thousand years later.